ड्रग्स मामले में कोर्ट ने दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा को दी गिरफ्तारी से पहले ही जमानत। जी हां, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश की ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से पहले ही जमानत याचिका को एक विशेष नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कोर्ट ने गुरुवार को 5 अगस्त को खारिज कर दिया है। हालांकि एनडीपीएस कोर्ट ने कथित आरोपी को संपर्क करने की अनुमति दी। एएनआई ने गुरुवार को ट्वीट किया, मुंबई सत्र अदालत के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से संबंधित एक ड्रग्स मामले में अभिनेता दीपिका पादुकोण की पूर्व प्रवर्धक करिश्मा प्रकाश द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका का निपटाया किया। कोर्ट ने उन्हें 28 अगस्त तक अंतिम सुरक्षा प्रदान की है। पीटीआई के अनुसार बचाव और अभियोजन दोनों के दावों के सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश बीबी विडवास की पीठ ने करिश्मा प्रकाश की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसे पहले नारकोटिक्स यूरो ने ड्रग्स पेडलर्स और बॉलीवुड सेलेब्स के बीच कथित गठजोड़ में बुलाया था। एजेंसी को रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के खिलाफ कथित तौर पर ड्रग्स खरीदने के सबूत मिलने के बाद ही बॉलीवुड में पूरी ड्रग्स संगठन का पता चला। तो वही एजेंसी ने कथित तौर पर अंत ड्रग साठगांठ में 20 से अधिक पैडलॉक्स को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दीपिका पादुकोण के मैनेजर को 25 अगस्त तक अंतिम सुरक्षा प्रदान की है। वेल, आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।